सई को लेकर विराट और सत्या ने नशे की हालत में क्या कह दिया एक दूसरे से कि यहाँ पर सई जो है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वेल देख लीजिए, शायद आपने सत्या और विराट को कभी ऐसे नहीं देखा होगा। दोनों जो हैं वो नशे में धुत नजर आते हैं। दोनों जो हैं वो बात करते नजर आते हैं सई के बारे में। सई के बारे में जहाँ विराट जो है वो सत्या से कहता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनने के बाद सत्या कहता है कि नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तुझसे प्यार करती है। वो तो तुझसे परेशान होकर उसने मुझसे शादी की कि ताकि तू जो है वो अच्छे से रह सके, तेरी फैमिली जो है वो अच्छे से रह सके और तेरा घर ना टूटे। ये सारी बातें जो है वो विराट को बोलता नजर आया नशे में ही, जिसे सुनने के बाद विराट बहुत इमोशनल दिखा। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो विराट है वो बोलता नजर आया कि चल पूछते हैं और सही से ही सब कुछ जान लेते हैं कि वो किससे प्यार करती है। और फिर विराट जो है वो सत्या से पूछता है कि अगर उसने कह दिया कि वो तुझसे नहीं मुझसे प्यार करती है तो तू क्या उसे छोड़ देगा। जिसके बाद सत्या जो है वो कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद विराट जो है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सई इस बात को सुन लेती है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सई ने इस बात को सुन लिया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अवार्ड फंक्शन में क्या कुछ हुआ है, जहाँ पर सई और विराट के बारे में काफ़ी कुछ बोला जाता है। रिपोर्टर्स जो हैं वो सई और विराट के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं, जिसके बाद सई जो है वो माइक थामती है और बड़ी सारी बातें बोलती नज़र आती है और कहती है कि किसने कहा है कि रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा उस इंसान से रिश्ता नहीं रख सकते या फिर सारे रिश्ते टूट जाते हैं। ये सारी बातें जो है वो बोलती नज़र आती है। ये सुनने के बाद पूरी चौहान फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहती है, क्योंकि सई जिस तरीके से इस बात को बोलती है उसे लेकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर अश्विनी को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अम्बा को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो है अम्बा को लगता है कि सई जो है वो चौहान फैमिली के लिए बोल रही है, विराट के लिए बोल रही है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ साथ सई और भी बड़ी सारी बातें बोलती नज़र आती है। चलिए, ये तो रही करंट ट्रैक की बात, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि 20 साल का लीप जो है वो इस सीरियल में आने वाला है। और इसी के साथ साथ सई विराट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, यानी कि शो को क्विट कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी, शो के कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। तो बड़ी सारी चीज़ें जो है वो अब आपको 20 साल के बाद देखने को मिलेगा, यानी कि 20 साल लीप के बाद जो है कहानी जो है सभी और वीनू की तरफ होता नज़र आने वाला है। अगर आपको बता दें कि सभी जो है वो बनेगी पुलिस ऑफिसर, तो वहीं पर वीनू बनेगा डॉक्टर और सई, सत्या और विराट की मौत हो जाएगी। कुछ ऐसा ट्रैक जो है वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आयशा शर्मा ने ये बात कंफर्म कर दी कि वो ये शो छोड़ रही हैं, जिसके बाद फैंस जो हैं वो काफ़ी निराश हो चुके हैं और लीप के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। उन्हें पहले से ही लग रहा था कि कहानी काफ़ी अजीब हो चुकी है और अब जो है ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जिस तरीके से सई और विराट का अंत होगा वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होने वाला है, जिसे सोचकर भी फैंस के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक अंत जो है इनका होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।